एवरी वन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश की बुक जो है आपकी, उसकी यूनिट फाइव, रिक वैन विंकल के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो गिवन जो वर्ड हैं उनका आपको मतलब मीनिंग बताना है करेक्ट। तो आइडली अवे, आइडल्ड अवे मतलब कि बिल्कुल किसी भी काम को वेस्ट कर देना, ठीक है। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है जो हमारा चलता जाता है डायरेक्टली, यानी कि स्टेडी। फिर आता है कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है दोस्त या फिर पार्टनर। रियलाइज का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझ में आ जाना। डिसेंट का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, ठीक है, टू मूव डाउन। बैरल का मतलब होता है, ठीक है, एक कंटेनर जिसमें कोई चीज़ रखी जा सके, अ वुडन कंटेनर। और फिर देखिए कंटेंट्स का मतलब होता है द इंडेक्स ऑफ बुक, ठीक है। इंडेक्स जो होता है ना बुक का, आगे के कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से पेज पे, ये सब कंटेंट में लिखा होता है। मेक द वर्ड इन द बॉक्स विद योर मीनिंग, ठीक है। तो मीनिंग से बताने आपको, तो नियर द लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन, माउंटेन का जो बिल्कुल नीचे का पार्ट होता है ना उसको माउंटेन की फुटहिल बोलते हैं, ठीक है। फुटहिल मतलब बिल्कुल माउंटेन के नीचे वाला पार्ट। विथ ग्रे हेयर, तो ग्रिजल्ड होता है इसका। टू रब जेंटली, एकदम से मतलब स्ट्रोक करना, इसका ये मतलब होता है। टू बी सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, एकदम से मतलब हक्का बक्का भौचक्का सा रह जाना। नोन टू यू, फेमिलियर, मतलब जिसको आप थोड़ा सा जानते हो, जिसके बारे में आपको पता है तो वो फेमिलियर होता है। अब ट्रू फॉल्स बताने हैं। रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन, रिप जो है बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार करता था, तो ये बात सही है। रिप वॉज हार्ड वर्किंग मैन, हार्ड वर्किंग नहीं था, आराम करता है तथा हर समय, तो ये फॉल्स है। द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, तो जो माउंटेन पे शॉर्ट ओल्ड मैन था वो उसका कोई साथी था, फ्रेंड था, तो ये फॉल्स हो गया। रिप हेल्प द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव अ ड्रिंक फ्रॉम द बैरल, क्या ओल्ड मैन की रिप ने हेल्प करी थी क्योंकि उसको बैरल में से, बैरल मतलब इस तरीके का ऐसा घड़ा सा होता है, उसमें से उसको ड्रिंक चाहिए थी, तो नहीं, इसका आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट है, रिप वॉज अवे फॉर 20 ईयर्स बिकॉज ही वॉज अस्लीप ऑन द माउंटेन, ट्रू, क्योंकि वो सोता रह गया था माउंटेन पे। द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम स्लीप फॉर 20 ईयर्स, येस, हाँ, तो जो बैरल में से उसने ड्रिंक पी थी ना उसकी वजह से वो 20 साल तक सोता रह गया था। नेक्स्ट है, नोबडी रिकॉग्नाइज्ड रिप व्हेन ही केम बैक बिकॉज ही हैड रीच द रॉन्ग विलेज, क्या किसी ने भी रिप को पहचाना नहीं था, तो ये बात बिल्कुल गलत है, पहचान लिया था लेडी ने, ठीक है, तो ये फॉल्स है। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड, कहाँ पर सिचुएटेड था, एट द फुटहिल्स ऑफ कार्ट्सकिल माउंटेन, तो कार्ट्सकिल माउंटेन के फुटहिल्स पर बिल्कुल नीचे की तरफ उसका विलेज था रिप का। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज, चिल्ड्रन जो थे, बच्चे जो थे गांव के, वो रिप को पसंद करते थे बिकॉज ही यूज़ टू प्ले विद देम, वो उनके साथ खेलता था। टोल्ड देम स्टोरीज एंड टॉट देम रन्स टू शूट मार्बल्स एंड टू फ्लाई काइट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिखाया करता था रिप बच्चों को, इसलिए बच्चे उसे पसंद करते थे। नेक्स्ट है, डैश वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियंस, कॉन्स्टेंट कंपेनियन कौन थे, वुल्फ द डॉग, तो जो डॉग था ना उनका, वो हमेशा रिप के साथ रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज दे डिड नॉट सीम टू नो रिप, क्योंकि उसको घूर घूर के देखने लगे थे क्योंकि 20 साल बाद वो वहाँ से आया था माउंटेन से, तो काफ़ी अलग वो दिखने लगा था, इसलिए जो विलेजर्स थे वो उसको थोड़ा घूर घूर के देख रहे थे। नेक्स्ट है, द ओल्ड वुमेन हु रिकॉग्नाइज्ड रिप वॉज, ओल्ड वुमेन जिसने रिकॉग्नाइज कर लिया था, रिप को पहचान लिया था, वो रिप की नेबर थी, पड़ोसी थी। नेक्स्ट है, व्हाट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन्स, स्ट्रेंज थिंग्स जो थी वो माउंटेन में मैन के बारे में वो क्या क्या थी। द ड्रेसिंग वॉज, ड्रेसिंग सेंस वॉज सेम, ठीक है। दे वर साइलेंट ऑल द टाइम, पूरे टाइम चुप रहते थे। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस होते थे उन लोगों के, उनके सब ने एक जैसी ड्रेसेस पहने रहते थे। दे ऑल हैड बियर्ड्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स, उन सबकी लंबी लंबी सी मतलब दाढ़ी होती थी अलग अलग कलर की, अलग अलग शेप की, तो ये अजीब सी चीज़ें थी उन लोगों के बारे में जो माउंटेन्स पे थे। नेक्स्ट है, वॉट काइंड ऑफ मैन वॉज रिप वैन रिंकल, रिप वैन रिंकल किस तरीके का पर्सन था, तो वो ही वॉज अ वाइज इन नेचर, होशियार था, गुड नेबर था, अच्छा पड़ोसी था। ही लव चिल्ड्रन द मोस्ट, बच्चों को काफ़ी पसंद करता था। ही वॉज अ लेजी पर्सन बट थोड़ा आलसी था। नेक्स्ट है, पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मैंशन इन द स्टोरी, स्टोरी में कौन कौन से खेलों के नाम हैं, तो फ्लाइंग काइट,
नाइन पाइप्स, शूटिंग मार्बल, क्लाइंग माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सारे के सारे जो नेम्स हैं स्टोरी में दिए गए हैं। हेयर आर सम ऑफ द मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज डेम टू कम्प्लीट द गिवन पैरा। तो आपको पैरा कम्प्लीट करना है इनकी हेल्प से। तो देखिए, मिस्टर दास हैज़ पार्ट टाइम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फर्स्ट में, पार्ट टाइम जॉब इन द क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ जॉब। येस्टरडे एन ऑड लुकिंग वुमेन, तो अजीब सी दिखने वाली ऑड लुकिंग वुमेन, यहाँ पे सेकंड वाला ऑड लुकिंग वुमेन, वॉकड इनटू द शॉप, अजीब सी दिखने वाली वुमेन शॉप में आ गई। शी वॉज वियरिंग हाई हील्स, ठीक है, हाई हील्ड शूज, काफ़ी ऊँची हील्स के शूज उसने पहने हुए थे। अ स्वीट लुकिंग डॉग वॉज विद हर, एक अच्छा सा प्यारा सा दिखने वाला डॉग उसके साथ था। आई वॉन्ट अ लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट फॉर माई डॉग, लंबी स्लीव की शर्ट चाहिए मेरे डॉग के लिए प्लीज। शी सेट फॉर योर डॉग आस्ट मिसेज दास, तो ओपन माउथ इन सरप्राइज, मतलब काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई। येस रिप्लाइड द वुमेन, आई वॉन्ट हिम टू बी वेल ड्रेस्ड फॉर द नेक्स्ट पार्टी। तो यहाँ पर वेल ड्रेस्ड, तो हमने नंबर यहाँ पर डाले हुए हैं और यहाँ पर मतलब अच्छा सा दिखे पार्टी में, इसलिए उसके लिए सुंदर सी ड्रेस चाहिए डॉग के लिए। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कॉमन इन, व्हाट इज़ द कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इनमें से क्या कॉमन है। नी, नाइफ, नॉट, नो, तो के कॉमन है, ये के साइलेंट होता है इन सब में, ये बात इसमें कॉमन है क्योंकि हम इसको एन डबल ई नी पढ़ते हैं, एन आई एफ ई नाइफ पढ़ते हैं, एन ओ टी नॉट पढ़ते हैं, एन ओ नाउ नो पढ़ते हैं, के इसमें साइलेंट होता है, ये कॉमन है। तो नेबर, डॉटर, फाइट, स्ट्रेट, तो इसमें जो जी एच है ना, देखिए ने और बर, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, जी एच को तो हम पढ़ते ही नहीं हैं, तो इसलिए जी एच इसमें साइलेंट है इन सारे वर्ड्स में। ऑनेस्ट, ऑनर, आर, ए, एर, इसमें एच साइलेंट है, ठीक है। ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट वर्ड्स, तो जैसे गैंट, गैंट, ग्नू, ग्नेल्ड, ठीक है, टंग, तो टेक्निक, बुटीक। चौक से हो सकता है हाफ, काफ, विसल से कैसल, थिसल। अब जो नेक्स्ट है, इसमें हमें ना इन सब के अपोजिट बताने हैं। तो अवेक का मतलब होता है जगा रहना, असलीप का मतलब सो जाना, वेकअप मतलब उठ जाओ, और उल्टा हो जाएगा अपोजिट, गो टू स्लीप, गेट अप, फॉल अस्लीप, लेजिली, स्पीडली। गेट अप मतलब उठ जाओ, फॉल अस्लीप सो जाओ, लेजिली मतलब आलस में, स्पीडली फटाफट। तो ये सारे के सारे इसके हमारे अपोजिट हो गए। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए चैप्टर के। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।